मैंने ऑलमोस्ट गिव अप कर दिया था। मुझे ऐसा लगता था कि मेरी स्टोरी बस यहीं तक थी। इस प्यार को मैं क्या नाम दूँ? आज खुश हुई हूँ बहुत दिन के बाद। मैं बता ही नहीं, मैं कांप रही हूँ खुशी के मारे। विनीत सिंह जिन्होंने कि ऑलमोस्ट गिव अप कर दिया था दोस्तों, लेकिन इंडियन आइडल के ऑडिशन राउंड में आकर जिस तरह का खूबसूरत परफॉर्मेंस दिखाया था, सीधा गोल्डन माइक पाया था दोस्तों उन्होंने। और अब थिएटर राउंड के दौरान में इस प्यार को मैं क्या नाम दूं, यह इतना बेहतरीन और इतना खूबसूरत ये परफॉर्मेंस था दोस्तों विनीत सिंह का, जिसे सुनने के बाद में हर कोई इनका दीवाना बन जाने वाला है। उतनी खूबसूरती के साथ में उन्होंने इस गाने को परफॉर्म किया है। साथ ही साथ इनकी माँ भी स्टेज पर रहती हैं दोस्तों, जो कि इन्हें इनके परफॉर्मेंस को देखने के बाद में काफ़ी खुश हो जाती हैं और विनीत सिंह उन्हें गले भी लगाते हैं। आपको बताऊं दोस्तों कि संडे के दिन में हमें उन सभी कंटेस्टेंट के परफॉर्मेंस देखने को मिलेंगे जिन्होंने कि गोल्डन माइक पाया हुआ था, और वो सभी के सभी थिएटर राउंड में पहुंच गए हैं। और उन सबों के बीच में विनीत सिंह ने यह धमाकेदार परफॉर्मेंस करके सबों को अपना दीवाना बनाया है। बेहतरीन परफॉर्मेंस था उनका। तो कमेंट सेक्शन में आप हमें जरूर बताइएगा दोस्तों कि आपको क्या लगता है कि विनीत सिंह टॉप 14 में अपनी जगह बना पाने में कामयाब होंगे। आप हमें जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा, और इंडियन आइडल के लेटेस्ट अपडेट के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए प्रभात जागरण। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज सब्सक्राइब फॉर मोर अपडेट्स। थैंक यू।